हेलो दोस्तों, वीडियो से लेकर नए वीडियो का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले एनसीईआरटी के क्लासेस का हिस्ट्री चैप्टर 9 के बारे में। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि चैप्टर 9 के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, और आपने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं अपनी चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा अध्याय 9 क्या है? हमारा अध्याय 9 है व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री। हम इस तीनों के विषय में पढ़ेंगे अध्याय 9 में, यानी व्यापारी के बारे में पढ़ेंगे, राजा के बारे में पढ़ेंगे और तीर्थ यात्री के बारे में पढ़ेंगे, जो तीनों ही इज्जतदार समाज से बिलोंग करते थे उस समय। तो बाजार में घूमती जगिनी, जगिनी अपने गांव के मेले के आसपास आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, सोख रंगों के फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले आते थे। जागनी को हैरानी होती थी कि वे लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। तो उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे, वे चीजों को उन जगहों से खरीदते थे जहां ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचा करते थे। तो इससे समझते हैं हम व्यापारी के बारे में बात करें मुख्य रूप से। तो व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी, अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है, और ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इन कटोरियों तथा थालियों इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिलते हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे? तो कैसे पहुंचेंगे, व्यापारी जहां से बनते वहां से लाकर यहां बेचते होंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा नौकरी पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे, यानी काली मिर्च की कितनी मांग थी कि उसे काले सोने के नाम से बुलाया जाता था, यानी ब्लैक ब्लैक गोल्ड। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे, और दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, और इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। कि जहां के सिक्के हमारे यहाँ मिले, यानी क्या इससे अर्थ निकलता है कि उस समय हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ही चल रहा था, रोम के साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था व्यापार में। व्यापार से जुड़ी एक कविता, व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखे कविता में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरिया और हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां और दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें और श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्री के किनारे चलते थे और कुछ क्या थे, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करके करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे, यानी कैसे, जिस दिशा में हवा बह रही उसी दिशा में वे लोग अपना सफर करते थे। इससे उनकी नौका की रफ्तार जो थी ज्यादा होती थी, इससे वे जल्दी पहुंच जाया करते थे। वे अफ्रीका के अरब या अरब के पूर्वी तट से उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें से बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है, यानी कि नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है, और मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। इससे क्या हुआ, मैदानी इलाके और तटीय इलाकों के सरदारों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो गई, क्योंकि वे लोग वहां पर सरदार थे, वहां पर उनको कुछ ना कुछ वसूल लिया करते थे कर के तौर पे, हत्ता वसूली के तौर पे। संगम कविताओं में मुविंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासकों के परिवार के मुखियाओं के लिए किया गया है।
ये थे चोल चेर तथा पांडे जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के दो दो सत्ता केंद्र थे, इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में थे। यानी इनका दो सत्ता केंद्र था, एक तटीय में था और एक जो था अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह छह केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास इलाकों से सूद वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे और बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों और सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांटते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। अब उनको दिया करते तो उनके तारीफ तो अवश्य करेंगे। तो इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक एक राजवंश का प्रभाव पड़ा। सातवाहन का साम्राज्य हमने ऑलरेडी पढ़ा है, गौतम पुत्र श्री सतकर्णी। सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा गौतम पुत्र श्री सतकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी वंशी द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है और पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यह नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। रेशमी मार्ग की कहानी, रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना जटिल प्रक्रिया होता है। रेशम में कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत की कताई होती है, फिर उससे कपड़ा बुना होता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। यानी 7000 साल पहले आप सोच सकते हैं कि 5000 ईसा पूर्व। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छिपाया रखा। जो चीन की आज भी आ जाते छिपाने की, उस समय भी आ जाते छिपाने की, पर चीन से पैदल घोड़ों या ऊंटों के कुछ लोग दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहां से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि चीन से पहले इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। अब पढ़ेंगे आगे, मानचित्र 6 को देखो। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अन्य राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमी भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों के पत्रों तक जाती थी। फिर यहां से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। यानी रेशम का कैसे था समझ रहे हैं बात। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। यानी उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया
जिसने एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अशोक घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अशोक घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। अब क्या आगे पढ़ेंगे। दूसरा परिवर्तन बोधिस्तों में आस्था को लेकर आया, यानी बोधिस्तों में क्या आस्था को लेकर आया। बोधिस्तों उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देना, मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। यानी वे लोग एकांत से सांसारिक परिवेश में रहना आरंभ कर दिए। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। अब आगे पढ़ेंगे। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश से बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी और दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिणी पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल चुका था। यानी बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैल गया, दक्षिणी पूर्व की ओर श्रीलंका में फैल गया, म्यांमार में फैल गया, थाईलैंड में फैल गया, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। उसके बाद थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारियों काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री क्या, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वयं त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे और इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपना यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपने यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है और इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फासियन चीन वापस कैसे लौटा। फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा और मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज से डूबने से बचाने के लिए उन्हें अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश की करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया पर उन पांडुलिपियों बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा में संकलित की थी। अंततः 13 दिन के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया कि समुद्र असीम है, सूर्य चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रूप में ले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा लगे। वहां 5 मिनट रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। स्वयं त्सांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। उसने सोने चांदी और चांदन की लकड़ियों की बनी बुद्ध की मूर्तियां
और 600 से ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की थी। अगर हमें यहाँ थोड़ा सा अगर याद करें तो पांडुलिपियां किसको बोलते हैं, इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियां को हस्तलिखित बोलते हैं, यानी जो हाथ से लिखा हुआ है। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने अपनी बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र, स्वयं तसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्धि के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त है जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवताओं का पूजा का चलन भी शुरू हो गया। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल है। इन देवी देवताओं को पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में भी की गई है। भगवद गीता महाभारत एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण ने अपने भक्त और मित्र अर्जुनों को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। और पूजा का रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। ठीक है, तो पूजा का जो रूप था वो धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता को सच्चे मन से पूजा की जाए तो वो उसी रूप में दर्शन देंगे जिसे भक्ति भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या किसी रूप में भी हो सकते हैं। जैसे हम अभी मानते हैं कि जिस रूप में हम भगवान को स्मरण करते भगवान उसी रूप में हमें दर्शन देते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज और स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवता की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्ति तैयार करने में लग गए। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें तो अब इधर भक्ति भज शब्द से बना, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्ति भक्त के बीच एक अतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवत देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी हुई कविता यहाँ दी हुई, मैं आपको उसे पढ़ के सुनाता हूँ। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यह बताती है कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी कविता का यह एक अंश है। अपार एक बिल्लाल था, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे इस मेरे ईश्वर के समान है। देवी देवता का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों का रखा जाता था।
इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगी या पढ़ोगे, ठीक है। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से व्यक्ति की प्रेरणा दी। यानी भक्ति अभी भी आते थे, भक्ति से शिल्प का बहुत ज्यादा झुकाव है, बहुत ज्यादा उसका मतलब एक बोल सकते कनेक्शन आपको मिल जाता है। हिंदू, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही हिंदू या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृत परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था, ठीक है। तो हिंदू धर्म के बारे में बताया गया। अन्यत्र करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ? बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरे को प्यार देना और उसी तरह दूसरे में विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति को दूसरों से प्यार है, विश्वास की उम्मीद करता है, बाइबल में ईसा मसीह का उपदेश की बातें लिखी है। यहाँ एक अंश दिया गया है, धन्य है वे लोग जो लोग धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु है वे धन्य है क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य वे जो दिल से पवित्र हैं क्योंकि ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद है और धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। हमने इसमें से सबसे उपयोगी शब्द क्या पढ़ा? व्यापारी पढ़ा, मुगेंदार पढ़ा, रास्ता या मार्ग पढ़ा, रेशम पढ़ा, कुषाण पढ़ा, महायान पढ़ा, बौद्धिस्तों पढ़ा, थेरवाद पढ़ा, तीर्थयात्री पढ़ा, भक्ति पढ़ा। तो दोस्तों ये होता है हमारा चैप्टर 9 खत्म। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर 10 की तरफ। तो अगर वीडियो को यार अच्छा लगता है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है।